यू मस्ट अंडरस्टैंड कि डेबिट को क्या क्या मिला एंड क्रेडिट को क्या क्या मिला, डेबिट को कौन कौन सा आइटम मिला एंड क्रेडिट को कौन कौन सा आइटम मिला, ये बात आपको समझना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आर यू इंटरेस्टेड कि डेबिट को क्या क्या मिला और क्रेडिट को क्या क्या मिला? मेरे दोस्त, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई कि डेबिट का आइटम क्या क्या है एंड क्रेडिट का आइटम क्या क्या है, अकाउंट्स आपके मुट्ठी में आ गया। बस इसी चीज को मैं आज भी पढ़ा रहा हूं एंड आखिरी चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल यही चीज चलेगा, ध्यान रखना। तो ध्यान से रखना, द आइटम डिस्ट्रीब्यूशन। आइटम डिस्ट्रीब्यूशन में हम सिंपल बोलते हैं ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। डेबिट में देख लेते हैं सीरियल नंबर में कि क्या क्या मिल रहा है। यह है डेबिट का आइटम और यह है क्रेडिट का आइटम। ओके, अब डेबिट और क्रेडिट दोनों के फादर मिस्टर पासियोली, लुका पासियोली ने बांटना शुरू किया। जितने भी एसेट थे, लैंड, बिल्डिंग, कार, फैक्ट्री, कैश, बैंक, सब उठाकर मिस्टर पासियोली ने डेबिट को दे दिया। सारे एसेट, सॉरी मतलब एक जितने भी एसेट थे, जितने भी कोई भी एसेट आप कुछ भी नाम ले लो, जो संपत्ति उनके पास था उन्होंने डेबिट को दे दिया। डेबिट को दे दिया। पूछोगे लैंड, डेबिट को दे दिया। बिल्डिंग, डेबिट को दे दिया। मशीनरी, डेबिट को दे दिया। कैश इन हैंड, डेबिट को दे दिया। बैंक, डेबिट को दे दिया। फर्नीचर, डेबिट को दे दिया। स्टॉक, डेबिट को दे दिया। यानी जितने भी एसेट थे, नॉन करंट या करंट, सब कुछ डेबिट को दे दिया। अब क्या था, उनके पास बड़े सारे लायबिलिटीज था। बड़े सारे क्या था? लायबिलिटीज था। क्या था? बैंक का लोन था, डेट था, डेट मतलब लोन, डेट था, लॉन्ग टर्म लोन था, एक क्रेडिटर था, यानी किसी ने माल सप्लाई किया था, गुड सप्लाई किया था, उसकी भी देनदारी है। वो जितने लायबिलिटीज था, जितना था, उन्होंने क्या किया, वो क्रेडिट को दे दिया, क्रेडिट को दे दिया। अब बताओ, सारा एसेट्स उन्होंने डेबिट को दे दिया, सारा लायबिलिटीज उन्होंने क्रेडिट को दिया। हद तो तब हो गई कि एकदम चकचकाती मर्सिडीज बेंज खरीदी गई थी और उन्होंने कहा, बेटा डेबिट, ये मर्सिडीज गाड़ी तेरी हुई, तू चला। दूसरे बेटे ने कहा, बांट तो चुके हो, अब ये भी बता दो कि इस गड्डी का जो इंस्टॉलमेंट देनो है वो कौन देगा? गड्डी तो आपका प्यारा बच्चा डेबिट चलाएगा ना, तो इसका इंस्टॉलमेंट कौन देगा? तो पासियोली ने कहा, तुम। मतलब समझ में आया? यानी गड्डी तो चली गई डेबिट बेटा के पास, लेकिन इंस्टॉलमेंट की लायबिलिटीज किसके पास आ गई? क्रेडिट बेटा के पास। इंस्टॉलमेंट की लायबिलिटीज किसके पास आ गई? क्रेडिट बेटा के पास। यानी कि कार विल गो टू डेबिट साइड बट द इंस्टॉलमेंट लायबिलिटीज विल कम टू द क्रेडिट साइड। द कार विल गो टू द डेबिट साइड बट द इंस्टॉलमेंट लायबिलिटीज विल गो टू विच साइड? क्रेडिट साइड। अब बताओ, क्या ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? बोलो, जम के बोलो, आराम लो, मजे लो। अभी जो ये कहानी सुना रहा हूं ना, अगर ये कहानी थारे दिल में बस जावेगा ना, मैं आपको बता देता हूं, अकाउंट्स जैसा इजी सब्जेक्ट कोई नहीं होगा। क्योंकि यही तो अकाउंट्स में है कि डेबिट का आइटम क्या है, क्रेडिट का आइटम क्या है। बस ये समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गई। अब बताओ ये किस तरह का होगा? ये है डेबिट बेटा, ये है क्रेडिट बेटा। डेबिट बेटा को सारा एसेट्स मिल गया, फिक्स एसेट एंड करंट एसेट सब कुछ। क्रेडिट बेटा को पूरा लायबिलिटीज मिल गया, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। अब बंटवारे की दूसरी चीज आई है। पासियोली के पास बड़े सारे एक्सपेंसेस थे, लॉस थे। कोई भी एक्सपेंस, चाहे वो सैलरी का खर्चा हो, चाहे वो रेंट का खर्चा हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो, चाहे मोटर कार के रनिंग कॉस्ट हो,
मोटर कार कोई भी एक्सपेंस हो, दिस ऑल एक्सपेंसेस वॉज गिवन टू होम डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस टू डेबिट। डेबिट तो सोच रहा था पहले कि मेरे को कारी मिल गई, यानी कि मैं जीत गया, मेरा बाप मेरा फेवरेट है, मेरे को एसेट दे दिया। लेकिन बाप तो बाप है ना, उसने कहा बेटा इस ऑर्गेनाइजेशन की संस्था के जितने भी खर्चे हैं वो तेरे पास है, एक्सपेंस सारा तेरा, लॉस सारा तेरा, यानी कि डेबिट के हिस्से में आ गया एक्सपेंस एंड लॉसेस सारे, कोई भी किसी भी तरह का, तो डेबिट में आ गया एक्सपेंस एंड लॉसेस। अब इसके पास सेल्स रेवेन्यू था, इनकम था, प्रॉफिट था, गेन था, सेल्स इनकम प्रॉफिट एंड गेन, ये जो था इसने पासियोली ने क्रेडिट को दे दिया, सेल्स इनकम प्रॉफिट एंड गेन इसके पास आ गया। और ये पूरे जितनी भी संपत्ति थी, जितने भी लायबिलिटीज था, जितना भी एक्सपेंस एंड लॉसेस था, जितना भी सेल्स इनकम प्रॉफिट एंड गेन था, सबका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट।